क्या आपको ओल्ड क्वेबेक सिटी देखना है भैया, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा कार से मेरे घर के आसपास का ओल्ड क्वेबेक सिटी दिखाऊंगा भैया, और आपको सब जानकारी दूंगा, और वीडियो के अंत में आपको मैं अपने घर पे ले जाऊंगा, ठीक है? तो अभी हम कैमरा घुमा लेते हैं। देखिए ये भी पार्लियामेंट के पास का रास्ता है भैया, और सभी यहाँ पे 5 सितारा होटल है ज़्यादातर भैया। अभी हम लोग जा रहे हैं वो ये मैरियट है या डेल्टा होटल है, होटल डेल्टा है भैया हमारे पीछे जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे। अभी रेड सिग्नल है तो हम लोग थोड़ा रुक जाते हैं यहाँ पे। ये पूरा का पूरा ओल्ड क्वेबेक का सिटी का रास्ता है भैया। यहाँ पे आगे रेड लाइट है और वहाँ पे एरो नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे टर्न ले सकते हैं, धीरे से गाड़ी चमा लेते हैं। देखा भैया, और यहाँ पे जो टॉप राइट साइड जो कॉर्नर है भैया, यहाँ पे उस देखा भी उसमें गाड़ी नहीं चला सकते, नहीं तो पुलिस वाले टिकट दे देंगे। आगे बस है भैया, देखा हमारे तो बस लाइन होती है। तो अभी हम धीरे धीरे ही अभी पार्लियामेंट के पास के टर्न लेके भैया, यहाँ पे जो है साइड में वो हिल्टन होटल है देखा, और ये राइट साइड में पार्लियामेंट है यहाँ पे। और अभी हम लोग बीच में से जा रहे हैं, जैसे ग्रीन लाइट हो जाए भैया। और मैंने जो टाइम लिया है दोपहर का 3 बजे का टाइम लिया है, यानी कि क्या भैया आपको सब ठीक से देख दिखाई देगी, क्योंकि 5 बजे के बाद तो ये पूरा का पूरा एरिया एकदम फुल हो जाता है भैया, ज़रा भी टाइम नहीं रहता, ज़रा भी जगह नहीं होती है। तो धीरे से अपना गाड़ी घुमा लेते हैं। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाना चाहता हूँ भैया, वो है सहजा बाप्टिस्ट रोड का एक रास्ता है। हम लोग यहीं से मेरे ख्याल से आता है, देखिए धीरे से मैं आपको वहाँ पे ले लेता हूँ रास्ते पे। कहाँ जा रहा है? डाउन टाउन में आ रहा है देखा भैया, मेन डाउन टाउन से रास्ता काट के भैया हम जा रहे हैं। ये एरिया बहुत ही महंगा है भैया, देखा जाए तो यहाँ की अगर आप छोटा सा शॉप भी लेने जाएंगे ना भैया, तो शॉप का किराया होगा 5,000-6,000 डॉलर प्रति माह का, इतना किराया होता है। और ये यहाँ पे जब क्वेबेक का नई नई स्थापना हुई थी, यहाँ पे ही सब फ्रेंच से फ्रांस लोग आके यहाँ पे धीरे धीरे सेटल हुए थे भैया। तभी आगे जाके हम लोग गाड़ी के पीछे पूरा टर्न मारते हैं। मैं बताता हूँ, जब हम लोग इंडिया से यहाँ पे आए भैया, तो हमको भी ड्राइविंग में बहुत डर लगता था, लेकिन तब मैं क्या करता था पता है, जैसे कोई गाड़ी जा रहा है उसके पीछे लग जाने का और उसके पीछे पीछे घूमने का भैया, तो धीरे धीरे आपको अंदाजा आ जाए। तो उससे क्या होता है पता भैया, आप वन में वे में नहीं घुसे देखा, ये पुलिस तो हर जगह पे लगी हुई है देखा भैया, यहाँ पे आप वन वे में नहीं घुसे, उसके लिए सब ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है भैया, क्योंकि यहाँ पे वन वे में घुस गए ना तो पुलिस वाले दबा के टिकट देते हैं, और यहाँ पे टिकट का इतना डर नहीं होता है। देखो पुलिस अंकल राइट साइड में जा रहा है, यहाँ पे पुलिस का इतना डर नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा डर किसका होता है पता भैया, टिकट का। और अपना ड्राइविंग लाइसेंस है ना भैया कट जाए उसका बहुत डर लगता है हमको। धीरे से हम लोग अभी ओल्ड क्वेबेक के एरिया में जा रहे हैं देखा, ये छोटी छोटी गलियां में हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। देखें जैसे अपने गुजरात में ये वडनगर विसनगर ऐसे छोटे छोटे गांव होते हैं भैया, ऐसे ही है यहाँ पे। और यहाँ पे जो छोटे छोटे मकान है उसकी कीमत भी भैया 1-1.5 लाख में आपको मिल जाए, लेकिन तकलीफ क्या है बता भैया, यहाँ पे पार्किंग नहीं मिलता, इसके लिए मेरे को ये एरिया ज़रा कम पसंद है भैया, लेकिन रेंटिंग के लिए नंबर वन एरिया है यहाँ पे। तो अभी हम लोग धीरे धीरे ध्यान भी रखेंगे कि कहाँ पे जा रहे हैं और अपनी गाड़ी चलाएंगे भैया। यहाँ पे होटल का किराया है यहाँ पे ओल्ड क्वेबेक में भैया एक रात का 450-500 के करीब करीब एक रात का किराया होता है भैया, यानी कि बहुत ही एक्सपेंसिव एरिया है। देखिए हमारे पीछे मर्सिडीज जा रही है भैया, धीरे से उसके पीछे लगा लिया गाड़ी, तो क्या अपने गलती होने के चांसेस कम है भैया। मैं तो हमेशा ऐसा ही करता हूँ किसी के पीछे लग जाने का, यानी कि अपने से गलती ना हो भैया। धीरे धीरे क्वेबेक सिटी की ओल्ड छोटी छोटी दुकानें देख रहे हैं भैया दोनों की साइड, अभी तो क्रिसमस नहीं आया लेकिन क्रिसमस में यहाँ पे फुल डेकोरेशन होता है भैया एकदम फर्स्ट क्लास। और यहाँ पे ये ना क्वेबेक भैया ये विंटर में बहुत सारे ऑन्टेरियो हमारे इंडिया से जो भाई बहन आते हैं यहाँ पे आना जाकर घूमना खूब पसंद करते हैं भैया। ये ओल्ड क्वेबेक सिटी में कई लोग भैया रिटायरमेंट के लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ एकदम, यहाँ पे पार्क है दौड़ने के लिए भैया, ये CBC रेडियो है ना भैया, CBC रेडियो उसकी ऑफिस है देखिए मेन, देखा आपने उसकी मेन ऑफिस हमारे घर के पीछे ही है भैया, यानी कि सब डाउनटाउन वाला एरिया यहाँ पे सब की सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक ही तकलीफ है कि पार्किंग, अगर आप घर के पार गए भैया
तो पार्किंग नहीं मिलेगा। अभी ये बस वाला कहाँ खड़ा है, वो घूमने के ही चल, मैं उसको लाइन चेंज करता हूँ, क्योंकि बस वाला अंकल मेरे को लगता है घूमने का उसका मूड नहीं है। मैं अभी उसके पीछे पीछे लग जाता हूँ, मैं सीधा रास्ता काटता हूँ। आगे जो है वो शातो फोंता नाक है, यानी कि जो यहाँ के जो पहले पहले जो राजा आया था ना भैया, वो राजा का जो महल है वो दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले देखिए आप लेफ्ट साइड पे ना भैया, ये होटल है, और ये सभी होटल का भैया किराया ना बहुत महंगा होता है यहाँ पे। अभी धीरे धीरे अपने इस गाड़ी के पीछे लग के धीरे धीरे जाने का भैया, क्योंकि नए नए आदमी हैं, कहीं पर लग गए ना भैया तो यहाँ पर टिकट और इंश्योरेंस का बहुत ही खर्चा हो जाता है। ये ट्रेन सेंट्रल ट्रेन स्टेशन है भैया, यहाँ पे सब कनाडा के सब, यहाँ से मॉन्ट्रियल न्यूयॉर्क की सब ट्रेन आती है, वो सब यहाँ पे आती है देखा। और ये जो गेट है वो क्यूबेक का बहुत ही फेमस गेट है, उसका नाम है सेंजा गेट बोलते हैं उसको। और अभी हम लोग क्यूबेक की ओल्ड क्यूबेक सिटी में एंटर हो रहे हैं, देखा आपने भैया। और दोनों साइड भैया यहाँ पर लगी हुई है गाड़ियाँ, और यहाँ पर रात को घोड़े चलते हैं भैया, घोड़े सवारी में। यहाँ पे एक घोड़े सवारी का राइड का भैया आपको आधा घंटा का मेरे ख्याल से $45 के करीब करीब लेता है भैया। यहाँ पे शॉपिंग के लिए, हनीमून के लिए सब बहुत लोग आते हैं, और हम लोग नसीबदार है भैया, इतने ऐसे एरिया में हम अपना खुद का घर ले पाए भैया। इस पर नज़र हम पे बहुत लंबे समय से हम ऐसी प्राइम प्रॉपर्टी की ध्यान कर रहे थे कि अच्छी जैसे ही आ गए ना हमने तुरंत उसको ले लिया भैया, देखिए। और यहाँ पे समर में बहुत ही अच्छा है, सब बाहर लोग खड़े होते हैं और जादू का खेल दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं भैया। मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले एक बार आया था ना तो यहाँ पे होटल व्यू क्यूबेक में रहा था, उसका बिल मेरा $483 हुआ था एक नाइट का भैया, बहुत महंगा होता है यहाँ पे। देखिए कितना बढ़िया है, ये हमारा गाँव है भैया, जैसे आपका इंडिया होता है वैसे ये हमारा गाँव है भैया। ऐसा रखते तो आपको आवाज़ थोड़ी ठीक से दिखाई सुनाई दे रही होगी, क्योंकि अभी हीटर चालू था, अभी रेड लाइट है तो हम लोग रुके हुए हैं। अब पता नहीं हमने गलत लाइन ले ली या सही लाइन ले ली, मेरे ख्याल से हमको लेफ्ट मारना पड़ेगा, तो सामने वाला भाई सीधा जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम लोग लेफ्ट ही मारना पड़ेगा। को जाना था सीधा, लेकिन वो भाई ने थोड़ा लोचा मार दिया। हम लोग ऐसा करता हूँ अभी सीधा ही मार देता हूँ, भाई मेरे को लोचा तो नहीं लगाएगा, मेरे को भी नहीं मालूम है, ऐसा करता हूँ चक्कर मार के आता हूँ भैया, क्योंकि यहाँ पे ना नहीं नहीं चलो ले लेते हैं गाड़ी भी यहाँ पे। धीरे से भैया के पीछे गाड़ी ले ली हमने, देखा तो हम लोग अभी ओल्ड क्यूबेक सिटी में जैसे धीरे धीरे चल रहे हैं भैया, एकदम यहाँ पे जो इंडियन फिल्म था, एक पता नहीं फिल्म था वहाँ पे, उसका शूटिंग यहाँ पे इस चर्च पे हुआ था भैया। मैं आपको वो चर्च दिखाता हूँ, बहुत फेमस वाला भैया। और ये बहुत ही ऑकवर्ड टाइम पे अभी कोरोना में हम आए, इसके लिए खाली है, बाकी ये तो एकदम फुल पैक एरिया होता है भैया, यहाँ पे खड़े रहने की जगह नहीं होती है, ये हालत होती है। तो अभी एरिया क्या भैया, अरे बहन बहन आ गई है, बहन चल रही है, ठीक है धीरे धीरे चलने का भैया, देखा। तो ये बहुत फेमस चर्च है, तो उसका यहाँ पर इंडियन फिल्म का एक शूटिंग हुआ था। हम लोग धीरे से यहाँ पर रुक जाते हैं, मैं जो जहाँ पे पहले रुका था यहाँ पे जो उपला माला है ना वो भी बेचने के लिए रखा है भैया, लेकिन उसमें क्या है पता है, पार्किंग नहीं है, और भैया जरा भाव जरा झाझा बोल रहा है, अब भैया भाव कम कर दें तो वो भी हम तो ले लेंगे। अरे देखो अभी मैं क्यूबेक का जो सेंट लॉरा रिवर है मैं आपको उसके पास घुमाने लाता हूँ भैया, और ये उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्यूबेक के लिए भैया। यहाँ पे जो लेवी यानी कि क्यूबेक का ये गांव है लेवी, आप अगर गूगल में डालेंगे तो वहाँ से सब जो फेरियाँ आती है वो सब यहाँ पे आती है भैया, वो फेरियाँ यहाँ पे आके रुकती है, और ये सब डेस्टिनेशन सब घूमने वाले आते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है ये। यहाँ पे हम लोग आपको यहाँ से पूरा का पूरा चक्कर मार के दिखा देते हैं। देखो ये सेंजा का दूसरा नंबर का गेट आया भैया, देखा आपने सामने, सब ओल्ड क्यूबेक है, यहाँ पे सब छोटी छोटी दुकानें हैं, सब यहाँ पे सुवेनियर लेने के लिए नहीं तो यादगारी के चीज़ लेने के लिए आते हैं भैया। यहाँ पे एक दो इंडियन रेस्टोरेंट भी है लेकिन बहुत महंगा है भैया, और आप तो जानते ही हैं हम तो घर से रोटी सब्जी बांध के चलते हैं हमेशा, तो ऐसा हाल है।
तो अभी ओल्ड क्यूबेक में धीरे धीरे आगे चल रहा है ताकि आपको पूरी चीज़ अच्छी तरह मालूम पड़े भैया, इसके लिए मैं आपको घुमा रहा हूँ। क्योंकि तो हमारे बहुत सारे अभी स्टूडेंट भाई बहन भी यहाँ पे आने की सोच रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ आपको आना ही चाहिए भैया, और इंडिया में फ्रेंच का थोड़ा सीख के आओ, नहीं तो हमारे फ्रेंच क्लासेस में थोड़े जुड़ जाओ भैया, तो आपको भी थोड़ा फ्रेंच का एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे फ्रेंच थोड़ा सीख के आए ना भैया, तो आपकी लाइफ बहुत ही फास्ट बदल जाएगी भैया। यहाँ पे भैया लाइफ बहुत सरल है अगर आपको फ्रेंच आती हो तो। इसके लिए मैं हमेशा क्या बोलता हूँ पता है भैया, थोड़ा फ्रेंच सीखने आने का कि वो आपका लाइफ ही चेंज कर देगा। अरे हमने गलत टर्न मार दिया, ये तो बन गए हैं, बन गए में कहाँ घुस गए भैया जी, ऐसा होता है। देखा भैया अपना इंडिया वाला ड्राइविंग यहाँ पे नहीं चलता। अभी इसको रिवर्स मारते हैं और मैं आपको अभी दूसरे रास्ते पे थोड़ा घुमाता हूँ। देखिए देखिए, गाड़ी चलाने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और साइड सिग्नल बाइक सिग्नल का हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि गाड़ी कहाँ जा रही है और आप कहाँ से निकल रहे हो भैया, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी काफ़ी रुका हुआ है ट्रैफिक, तो हम लोग चलते हैं भैया। धीरे धीरे अपने चलते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे जो सामने जो गांव है उसका नाम है लेवी है भैया, इसके सामने जो आप रिवर से बोट क्रॉसिंग करके यहाँ पे आएंगे तो रिवर का बोट का आपका एक ये बोट खड़ी, देखा भैया ये बोट का अभी आपको आधा घंटा का $10 लेता है और आपको सामने से छोर से यहाँ पे ला देता है तुरंत ही भैया। और ये बहुत ही प्राइम एरिया है ओल्ड क्यूबेक का भैया, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। और मैं सभी ये रियल एस्टेट के वीडियो क्यों बता रहा हूँ भैया पता है, अपनी बड़ी बड़ी फांके मारने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ताकि आप भी लोग भैया है ना, हमारे इंडियन भाई बहुत बचत करते हैं, लेकिन बचत करके बैंक में पैसा डालते हैं तो बैंक में तो यहाँ पे ब्याज मिलता नहीं है भैया। तो ऐसे आप मेरी तरह भैया इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो आप भी ना भैया किसी की मजदूरी करने जाना नहीं पड़ेगा, आप अपने घर पे बैठ के अच्छा सा पैसिव इनकम खड़ा कर सकते हो भैया। मैं बताता हूँ ये इतना फेमस एरिया है, यहाँ पे खड़े रहने की जरूरत नहीं, जगह नहीं मिलती, लेकिन ये कोरोना के काल में भैया एकदम जगह एकदम खाली हो गई है। मैं अभी यहाँ पे थोड़ा पार्किंग कर लेता हूँ एक मिनट के लिए। सॉरी भैया, अभी एक घंटे से हमारा जो रेंट का जो बहन है उसका फ़ोन चालू का चालू था, उसको ये सब चेक करना था इन्फॉर्मेशन भैया, तो मैं डाउनटाउन में ही खड़ा हो गया और सब उसको इन्फॉर्मेशन करके फ़ोन भर के भैया मैंने यहाँ से इंटरनेट पे भेज दिया। तो कभी कभी क्या हमारी ऑफिस ही है ना भैया, हमारे कार में ही हमारी ऑफिस हो जाती है, ये बात होती है भैया, तो हम माफ़ी चाहते हैं। अभी देखिए थोड़ा अंधेरा हो गया है तो वीडियो में मज़ा नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि एक बार मैं पक्का ये अच्छा सा सूरज दादा निकले होंगे ना भैया, ऐसे दिन को मैं आपको पूरा का पूरा क्यूबेक सिटी बड़ी अच्छी तरह दिखाऊंगा बढ़िया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया, अगर आपको ऐसे और भी वीडियो देखने हैं तो कृपया करके उसे फेसबुक या व्हाट्सएप पे शेयर भी कीजिए, ताकि क्या अपने इंडिया में जो भाई बहन देख बैठे उनको सही जानकारी मिलते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग कनाडा और अमेरिका से आते हैं तो बड़ी बड़ी फांके मारते हैं, बोले तो हमने तो यह कर दिया ना, वो कर दिया ना, माउंट एवरेस्ट को खरीद लिया ना, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो मैं अपने वीडियो में यह बताना चाहता हूँ कि अगर आप में हिम्मत है और अगर आप ऑनेस्ट हैं और आप अच्छी तरह काम करेंगे तो आप यहाँ पे अच्छी सी प्रगति ले सकते हैं भैया। आपको किसी के एहसान के तले दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने बलबूते पे इस देश में बड़ी अच्छी तरह मेरी तरह आगे आ सकते हैं भैया। तो वीडियो कृपया शेयर कीजिए ताकि अपने जो बुजुर्ग भाई बहन माता बहन है वो भी घर पे बैठ के सब देख सके और सब अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन सीख सके भैया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका परदेसी भाई का, आपको यहाँ से मेरा सलाम।